हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे हम लोग कैश परचेज करते हैं, और अगर जो स्टॉक हमने परचेज किया है उसमें कोई दिक्कत होती है तो उसको कैसे डेबिट नोट के तहत हम वापस करते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग क्रेडिट परचेज करते हैं। मतलब परचेज तो आज कर लिए हैं, सामान खरीद लिए हैं, सामान हमें मिल भी गया है, पर उसकी पेमेंट हम 2 दिन बाद, 10 दिन बाद या 1 महीने बाद करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पहले ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर रिसिप्ट नोट के साथ हमें गुड्स मिल जाता है, फिर अगर उस गुड्स में कोई प्रॉब्लम है तो हम रिजेक्शन आउटवर्ड के तहत उसको वापस कर देते हैं और फिर परचेज करके पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला इसका प्रोसेस है परचेज ऑर्डर। तो हम पहले परचेज ऑर्डर करेंगे जो कि आपको ऑर्डर वाउचर में मिलेगा। ठीक है, ऑर्डर वाउचर आपका गेटवे ऑफ टैली में नहीं शो करता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद हम इन्वेंट्री फीचर में आएंगे, इंटर करेंगे और इन्वेंट्री फीचर में देखिए ऑर्डर प्रोसेसिंग आपको दिख रही होगी, तो इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग इसको यस कर देंगे और कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करके बैक आएंगे, देखिए अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर के नीचे एक ऑर्डर वाउचर आ गया। ठीक है, इंटर करेंगे, इसे ओपन करेंगे। ठीक है, इसमें डेट आपको दिख रही है 1 जुलाई, मान लीजिए हम एंट्री करेंगे 1 अप्रैल को, 1/4। ठीक है, पार्टी नेम पूछा है, हमने कहा था डायरेक्ट यहीं बनाएंगे, ऑर्डसी बना लेते हैं मिस्टर ए। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद ऑर्डर नंबर पूछा है, हम कह देंगे ORD/001। ठीक है, यहाँ पे परचेज का लेजर बना लेंगे PURCHASE, जो कि अंडर जाएगा परचेज ग्रुप के। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम बना लेंगे जो हम खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए पहला हम कंप्यूटर, ठीक है, ड्यू ऑन 1 अप्रैल, क्वांटिटी है कंप्यूटर की 20, और 30,000 का। ठीक है, दूसरा फिर ऑल्ट सी करके हम बना लेते हैं मोबाइल, ठीक है, क्वांटिटी इसकी ले लेंगे 30 पीस, और ये है जाएगा 15,000 का आपका। तीसरा हम ऑल्ट सी करके फिर बना लेंगे, इसको बना लेंगे स्पीकर, यूनिट लेना नहीं भूलेंगे, यूनिट जरूर लेंगे, 10 पीस खरीदे हैं 2500 का। ठीक है, अभी हमने इसको खरीदा नहीं है, हमने क्या किया है, दुकान पे ऑर्डर प्लेस कर दिया कि हमें ये सामान चाहिए, ये क्वांटिटी और रेट है। ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग ऑर्डर प्लेस्ड, कि हमने ऑर्डर को 1 अप्रैल को प्लेस कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने आपको क्या बताया था, रिसिप्ट नोट। ठीक है, तो रिसिप्ट नोट हमारा मिलता है इन्वेंट्री वाउचर में, तो इन्वेंट्री वाउचर में आएंगे, जैसे ही इंटर करेंगे राइट हैंड साइड पे देखिए रिसिप्ट नोट आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, जो कि हमारा यहाँ है ये फिजिकल स्टॉक के ऊपर। ठीक है, पर ये हाईलाइटेड नहीं है तो ये ओपन नहीं होगा वाउचर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से कंपनी फीचर में जाना पड़ेगा F11 के साथ। ठीक है, अब हम इन्वेंट्री वाउचर में से F11 करते ही इन्वेंट्री फीचर में आगे इंटर करेंगे, रिसिप्ट नोट देखिए राइट हैंड साइड पे अदर फीचर में है, तो इसको यस कर लेंगे। ठीक है, इसी में एक और फीचर की हमें जरूरत पड़ेगी रिजेक्शन आउटवर्ड की, उसको भी यहीं से यस कर लेंगे और कंट्रोल इसे सेव कर लेंगे। सेव कर लिए, अब देखिए ये हाईलाइट हो गया रिसिप्ट नोट, हम इस पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे या ऑल्ट F9, सिंगल अंडरलाइन है इसलिए ऑल्ट F9 के साथ प्रेस कर लेंगे। रेफरेंस नंबर पूछा, हमने कहा REF/001। ठीक है, डेट हमने क्या कहा, 2 अप्रैल को हमें रिसीव हो रहा है, तो F2 करके 2 अप्रैल कर लेंगे। ठीक है, पार्टी हमारी मिस्टर ए रहेगी, क्योंकि मिस्टर ए से ही हम रिसीव करेंगे,
और नीचे इसमें ऑर्डर नंबर ले लेंगे ताकि पूरा जो हमने ऑर्डर प्लेस किया था पूरा हूबहू आ जाए, एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। देखिए पूरा ऑर्डर अपने आप आ गया, ठीक है, बस इसको इंटर करते जाएंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे। नीचे लिख देंगे बीइंग गुड्स रिसीव्ड, बीइंग गुड्स रिसीव्ड, ठीक है, एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक, अब मान लीजिए हमने जो गुड्स रिसीव किए थे उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम उसको क्या करेंगे, रिजेक्शन आउटवर्ड कर देंगे। रिजेक्शन आउटवर्ड भी आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे, ऑल्ट एफ सिक्स, ठीक है, इसको प्रेस कर देंगे। रिजेक्शन आउटवर्ड हम 2 अप्रैल को कर रहे हैं, ठीक है, स्पेस प्रेस करेंगे, पार्टी ले लेंगे, मिस्टर ए, मिस्टर ए, ठीक है। आइटम पहले हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर, इसमें रेफरेंस नंबर ले लेंगे जो हमने आर ई एफ डाला था, इंटर करेंगे। अब कितना वापस कर रहे हैं, 5 पीस, ठीक है, तो 30,000 का ही है, इंटर। दूसरा हम ले लेंगे इसमें मोबाइल, मोबाइल हम वापस कर रहे हैं 10 पीस, और तीसरा हम ले लेंगे स्पीकर, स्पीकर में भी रेफरेंस नंबर ले लेंगे, स्पीकर हम कितना वापस कर रहे हैं, 5 पीस, इंटर। यहां पे लिख देंगे बीइंग गुड्स रिजेक्टेड ड्यू टू बैड क्वालिटी, रिजेक्टेड ड्यू टू बैड, मतलब खराब क्वालिटी की वजह से गुड्स रिजेक्ट हो गए। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग स्टॉक समरी में देख लेंगे। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, स्टॉक समरी में आएंगे, देखिए कंप्यूटर कितना दिख रहा हमें, 15 पीस पर हमने ऑर्डर कितना दिया था, 20 पीस का हमें रिसीव भी हो गया था। देखिए 20 पीस का आपको ये देखिए कर्सर है, इनिशियल क्वांटिटी 20 पीस, पेंडिंग क्वांटिटी 15 और रेट 30,000। फिर एक इंटर और करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रिजेक्शन नोट, रिसिप्ट नोट में 20 पीस और रिजेक्शन में 5, तो आपके पास है कितना, पेंडिंग 15 पीस। ठीक है, स्किप करके बैक आ जाएंगे। इसी तरह किसी भी आपको आइटम को देखना उस पर जाएंगे, इंटर 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 प्रेस करेंगे, फिर इंटर, तो दिखा देगा कि आपने रिसीव कितना किया था, 10 पीस, 5 पीस आपने वापस कर दिया, तो आपके पास पेंडिंग कितना बचा है, 5 पीस। ठीक है, आइए अब ये जितना आइटम है इसको हम लोग परचेज कर लेते हैं। परचेज के लिए हम लोग आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर के बाद हम लोग आएंगे F9 में। ठीक है, सप्लायर इनवॉइस पूछ लिया है तो हम इनवॉइस दे देंगे INV/001। डेट मान लीजिए हम 2 अप्रैल को ही खरीद ले रहे हैं परचेज, पार्टी हमारी मिस्टर ए रहेगी, इसमें रिसिप्ट नंबर ले लेंगे ताकि जितना भी हमने रिसीव किया है वो गुड्स अपने आप इसमें इंटर हो जाए। ठीक है, अब देखिए जितना हमने वापस किया था वो माइनस हो गया अपने आप और जितना हमारे पास बचा वो पूरा परचेज हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको आप सिंपल इंटर करते हुए सेव कर लें और लिख दे बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, देखिए हमने 2 अप्रैल को परचेज किया है। अब हम पार्टी को पेमेंट कब करेंगे, मान लीजिए हम करते हैं अप्रैल मई, 1 मई को पेमेंट कर देते हैं। बैक आएंगे अकाउंटिंग वाउचर, अब पेमेंट में जाने के लिए F5 करेंगे, F5, और डेट बदलने के लिए F2। हमने क्या कहा, 1 मई को। ठीक है, कैसे पेमेंट करेंगे, कैश से। पार्टी कौन है, मिस्टर ए, मिस्टर ए का बैलेंस है 7,62,500, पूरा पेमेंट कर देंगे और लिख देंगे बीइंग पेमेंट मेड टू मिस्टर ए, टू मिस्टर ए। ठीक है, आप फिर डिस्प्ले डे बुक में जाएंगे। अब यहां पे सिर्फ आपको एक एंट्री दिख रही होगी 1 मई की, तो F2 करेंगे, स्पेस से डेट हटा देंगे और जितनी एंट्री आपने की है सब दिखेगी। पहले हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, फिर हमने रिसिप्ट नोट कर लिया,
फिर जितना आया उसमें रिजेक्शन आउटवर्ड कर दिया, फिर परचेज और फिर पेमेंट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे किसी भी वीडियो में आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट में भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।